आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए यह पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है नंबर एक ये फ्री है नंबर दो इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं नंबर तीन आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट एफ पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए यह तो थी एक छोटी सी जानकारी और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के पचपनवें भाग नई अफवाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था अब अपने बड़े लड़के को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी पर उसका एलएलबी का फाइनल चल रहा था इससे मैंने उसे बुलाना ठीक नहीं समझा दो दिन मैं अपने बच्चों में रहकर फिर रंगमहल में लौट आई बच्चे को अभी मैंने वासुदेव महाराज के घर ही छोड़ा मेरे बच्चे और पति भी अभी वहीं थे अनेक कारणों पर विचार करके ये व्यवस्था की गई थी महल में इस समय एक नई अफवाह उठ खड़ी हुई थी यद्यपि वो बाहर अभी नहीं गई थी फिर भी रंग महल में उथल पुथल हो रही थी छोटे बड़े प्रत्येक की जबान पर ये बात थी कि चंद्र महल रानी सगर्भा हैं ये साधारण बात न थी इसका सबसे भारी प्रभाव वर्तमान नए राजा पर पड़ने वाला था नया राजा मृत राजा के औरस पुत्र के न रहने पर गोदाया था पर अब यदि औरस पुत्र विवाहिता रानी से होता है तो गद्दी का वही अधिकारी होगा नए राजा को गद्दी छोड़नी होगी तख्तनशीनी का अभी दरबार भी नहीं हुआ था पर दरबार की तारीख एजीजी ने नियत कर दी थी जबकि स्वयं या उनका प्रतिनिधि दरबार में आकर अंग्रेज़ सरकार की ओर से उन्हें महाराजा स्वीकार करने की घोषणा करने वाले थे अब यदि अफवाह सच्ची प्रमाणित होती है और सचमुच ही नई रानी के पुत्र होता है और ये खबर ये जी जी तक पहुंचती है तो निश्चय ही दरबार रुक जाएगा सब मामला उलट पुलट हो जाएगा नया राजा सुशिक्षित और भद्र तरुण था नए विचार और भावनाएं उसमें थी वो मे कॉलेज का ग्रेजुएट था विचारों और भावों में उदार और सुधारक उसने गद्दी पर बैठते ही अनेक नए कदम उठाए थे जिनमें एक डेढ़ियों के नरक का उन्मूलन था उससे सभी को अच्छी आशाएं बंध गई थी मेरे तो जीवन ही की उसने रक्षा की थी मृत राजा के ही जीवन काल में ये प्रायः निश्चित हो गया था कि उसके बाद राजा वही होगा कुर्सी नामे के अनुसार उसी का हक प्रमाणित था क्योंकि राजा के कोई और संतान रानियों से न थी ना आशा ही थी परंतु इस नई रानी की सगर्भा होने से अब पुत्र की आशा हो गई थी बड़ा ही विचित्र है ये उत्तराधिकार औरस और पुत्र का युग युग से चला आता हुआ सिलसिला स्त्री विवाहिता पत्नी ही हो स्वजातीय हो तभी उसका गर्भजात और अस्पुत्र पिता का उत्तराधिकार पा सकता है अविवाहित स्त्री से भले ही उस पुरुष के वीर पुत्र हो पर वो उत्तराधिकारी ही नहीं है विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र बालक हो मूर्ख हो कोढ़ी हो नालायक हो तो भी वही उत्तराधिकारी है ये उत्तराधिकार राज्य अधिकार मिलता है तो वही राजा है उस राज्य का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख सबका पूज्य पुरुष बड़े से बड़े योग्य विद्वान भी उससे छोटे हैं धीरे धीरे ये बात रंगमहल के बाहर फैली और अब नगर में यही बात चर्चा का का मुख्य विषय बन गई नया राजा तो इस घटना से बहुत विचलित हो गया था उसका भाग्य ही अस्त होने का समय आ गया था पर वो इस समय भी धीर और शांत था अब तो रानी के पुत्र प्रसव की प्रतीक्षा थी यदि पुत्री होती है तो राज्य का अधिकार नए राजा को मिलता है पर यदि पुत्र प्रसव हुआ तो नए राजा का राज्यच्युत होना अनिवार्य था दरबार की तारीख अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई थी और सब दरबारी एक निश्चित स्थिति में आने वाले क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे रंग महल में रहना अब मुझे भाता न था परंतु अभी मेरी बहुत सी संपत्ति रियासत में फंसी थी मुझे धैर्य और युक्ति से काम लेना था सांप मरे ना लाठी टूटे यद्यपि मेरा सारा ध्यान बच्चे की बीमारी पर था फिर भी मैं अपनी संपत्ति से बेखबर न थी मैं बीच बीच में राजा से मिलती रहती थी उसने मुझ पर अपरिसीम अनुग्रह किया उसकी कृपा से धीरे धीरे मेरी लगभग सारी ही धन संपत्ति मेरे कब्जे में आ गई उसे चुपचाप मैंने रियासत से बाहर भिजवा दिया कुछ रकम मैंने बम्बई की बैंकों में जमा कर दी और कुछ दिल्ली के बैंकों में रकम के मैंने कई विभाग किए और उसका अधिकांश भाग पुत्रियों के नाम पृथक पृथक जमा कर दिया अब मैं राजधानी से निकल भागने का सुअवसर ताकने लगी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के पचपनवे भाग नई अफवाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में